मेरे पापा सडनली पैरालाइज हो गए, जिसके कारण मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया। मेरी टारगेट ही थी कि मुझे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जाना है, तो ट्रांसप्रो मुझे इसमें बहुत सपोर्ट दी है। आफ्टर 4 मंथ्स का जब कम्प्लीट हो गई मेरी कोर्स, आफ्टर 15 डेज आई मैंने जॉब मुझे मिला एक्सपीरियंस में। आई ऑल्सो नेवर थॉट दैट आई कैन वर्क ऑन दिस कंपनी। हाई, माई नेम इज अभिषेक कुमार। करंटली आई एम वर्किंग इन द एक्सप्रेसविज एंड माई डेस्टिनेशन इज सीएलटी क्लाइंट सपोर्ट टीम। माई डिपार्टमेंट इज आरवी रिवर्स पिकअप डिपार्टमेंट। मेरी टारगेट ही थी कि मुझे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जाना है, बट एक्चुअली आई वॉज नॉट फाइंडिंग द करेक्ट इंस्टीट्यूशन वो कैन प्रोवाइड द जॉब। एक्चुअली जब मैं हैदराबाद में बैंक में काम कर रहा था, तो मेरे पापा सडनली पैरालाइज हो गए, जिसके कारण मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया, और मुझे सडनली जॉब स्किप करके मुझे बिहार जाना पड़ा। तो मैंने ट्रांसफ़र के लिए बहुत कोशिश की, बट मुझे दिया नहीं गया, सो आई स्किप्ड माई जॉब। बिहार जाकर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स में कॉन्टेक्ट किया, वो ऑलरेडी सेफ एक्सप्रेस कंपनी में काम कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स में। उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि आपको ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में विजिट करना चाहिए। सो वहाँ पर मेंटर्स लोग मुझे गाइड किए कि आप PGPRSM से रिलेटेड आप कोर्स करिए, ये आपको हेल्पफुल है और आपको क्विकली जॉब भी मिल जाएगी। देन मैंने कोर्स को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आफ्टर फोर मंथ्स का जब कंप्लीट हो गई मेरी कोर्स, कंप्लीट होने के बाद मुझे आफ्टर 15 डेज आई मैंने जॉब मुझे मिला एक्सपीरियंस में, जो करंटली मैं 1 साल से अभी जॉब कर रहा हूँ कंटिन्यूस। और ये मुझे जॉब अभी ट्रांसफर में थैंक्स करना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि मुझे क्विकली जॉब देने के लिए, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल कमज़ोर था मैं, और मेरे पास पैसे की भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मैं सडनली जॉब स्किप करके चला आया था। तो ट्रांसप्रो मुझे इसमें बहुत सपोर्ट दी है। तो इन कोर्स में बेसिकली सबसे फर्स्ट तो इन मल्टीपल इसमें कोर्स के सब्जेक्ट हैं, लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वेयरहाउस मैनेजमेंट होगी, व्हाट द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी है, लाइक एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, डिजिटल। जो हमें प्रैक्टिकल जो नॉलेज दी गई थी, लाइक अबाउट द एक्सेल नॉलेज मुझे दिया गया, अबाउट द सप्लाई चेन, जो हमें थियोरटिकल नॉलेज थी वहाँ पर मैं प्रैक्टिकली अभी कर रहा हूँ। करेंट आई एम वर्किंग द रिवर्स पिकअप डिपार्टमेंट, बट आई हैव द मोर नॉलेज अबाउट द फॉरवर्ड ऑल्सो। आई नो द हाउ इंडस्ट्री वर्किंग, वाट इज द हैपनिंग द वेयर हाउस, सो दीज आर द माई एक्सपीरियंस। यहाँ में फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के पढ़ाई की टेक्निक्स बहुत अच्छी है। बेसिकली मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तैयारी की थी, जिन्होंने आशीष सर मुझे बताए थे, उनके जो एग्जाम्पल्स थे वो टोटली मतलब जस्ट लाइक अ स्टोरी टाइप को पढ़ाते थे। उनकी मुझे मतलब मोटिवेशन रहती थी, कोई मतलब ऐसी बुकिश नॉलेज नहीं है, बट उनकी जो गाइडेंस रहती थी, जो बताते थे, वो टोटली स्टोरी टाइप की, जो हम लोग प्रॉपर समझ में आ जाती थी। सो दैट वॉज द परफेक्ट फॉर मी। फैमिली की बात कह रहा तो ये मैं ट्रांसफर के थैंक्स करना चाहूँगा, गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द टॉप मोस्ट कंपनी लाइक एक्सप्रेसविज, इज ऑलरेडी द टॉप मोस्ट कंपनी। आई ऑल्सो नेवर थॉट दैट आई कैन वर्क ऑन दिस कंपनी, सो दिस इज द बेस्ट फॉर मी। मैं अभी फाइनेंशियल भी अभी डिपेंडेंट हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे फैमिली को भी मैं खुद ही देखता हूँ सारे मेंटेनेंस के लिए। तो दिस इज अ वेरी थैंकफुल, दिस इज माय प्लेसमेंट स्टोरी एंड आई एम प्लेस्ड बाय ट्रांसप्रो।